हाल ही में आए नागरिकता संशोधन अधिनियम के कारण देश के कई राज्यों में अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जिसके कारण कई राज्यों में धारा 144 का प्रयोग किया गया। हमारे आज के डीएनएस में हम धारा 144 को जानने का प्रयास करेंगे कि यह कब, कैसे और किन परिस्थितियों में लगाई जाती है। साथ ही कर्फ्यू व धारा 144 के बीच के अंतर को भी जानेंगे। दरअसल धारा 144 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसका प्रयोग चार या चार से अधिक लोगों की सभा को प्रतिबंधित करने, मोबाइल फोन कंपनियों को किसी क्षेत्र में एसएमएस या अन्य मैसेजेस सर्विसेज अथवा इंटरनेट को बंद करने के लिए किया जाता है। यह धारा एक जिला अधिकारी, उप जिलाधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण को जिले में उत्पन्न हो रही अराजक स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करता है, जिसके द्वारा लोगों को अनावश्यक रूप से इकट्ठा होने इत्यादि के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। यह प्रावधान किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह विशेष या किसी क्षेत्र विशेष में भी लगाया जा सकता है। इस प्रावधान के अंतर्गत किसी के आवागमन को भी स्थायी तौर पर रोका जा सकता है। हालांकि धारा 144 के अंतर्गत पारित किया गया कोई भी आदेश इसको जारी करने की तिथि से लेकर 2 माह तक ही बना रह सकता है, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार इस अवधि को 6 माह तक बढ़ा भी सकती है। इस अवधि में मजिस्ट्रेट के किसी आदेश की समीक्षा या उसके विरुद्ध कोई उपचार भी स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा ही संभव है। इस अवस्था में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय जाकर अपने मूल अधिकारों को पुनः लागू करने की मांग कर सकता है। परंतु यदि ऐसा कोई भी अधिकार लोक व्यवस्था या सुरक्षा के विरुद्ध होने पर न्यायालय की वृहद हितों को ही प्राथमिकता देती है। इसी दिशा में 1967 में आए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि लोकतंत्र तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक नागरिकों के एक वर्ग को लोक व्यवस्था को अस्थिर करने की व उसे हानि पहुंचाने की खुली छूट मिलती रही हो, अर्थात उच्चतम न्यायालय के व्यक्तिगत हितों से ऊपर समाज के हितों को प्राथमिकता दी व लोकतंत्र के संरक्षण के लिए ऐसे प्रावधानों पर सहमति जताई। न्यायपालिका ने मधु लिमये बनाम उप जिलाधिकारी मामले में 1970 में भी इसी बात को और पुख्ता किया। इस मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की पीठ ने भी धारा 144 की संवैधानिकता को सही बताया। न्यायपालिका ने यह तर्क दिए कि सिर्फ कानून के दुरुपयोग के कारण उसकी वैधानिकता समाप्त नहीं की जा सकती। इसके साथ ही धारा 144 को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं माना जा सकता, क्योंकि यह धारा भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले अनुच्छेद 19(2) को युक्तियुक्त प्रतिबंधों अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के दायरे में आती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने 2012 में रामलीला मैदान में सोते हुए लोगों पर इस धारा 144 के प्रयोग को अनुचित ठहराते हुए इसके उचित व संयमित उपयोग पर बल दिया, जिससे व्यक्तिगत हितों व सामाजिक हितों के मध्य एक संतुलन स्थापित किया जा सके। गौरतलब है कि प्रथम बार धारा 144 का प्रयोग अंग्रेजी सरकार के समय 1861 में किया गया था, जिसके बाद यह अंग्रेजी सरकार के लिए एक शक्तिशाली हथियार बन गया था और धारा 144 का उपयोग राष्ट्रीय आंदोलनों व अंग्रेजी सरकार के विरोध को कुचलने के लिए किया जाने लगा। आजादी के बाद धारा 144 हमेशा से ही विवादों के घेरे में रहा है, क्योंकि भारतीय कानून में इसे बहुत ही कम बदलाव के साथ अपनाया गया है।
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्फ्यू व धारा 144 में अंतर होता है, या यूं कहा जाए कि कर्फ्यू धारा 144 का एक अधिक विस्तृत रूप है। धारा 144 में सिर्फ लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि कर्फ्यू में लोगों की आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित होती है तथा उन्हें घरों के अंदर रहने का आदेश होता है। घर से बाहर निकलने के लिए स्थानीय पुलिस की अनुमति जरूरी होती है, जबकि धारा 144 में लोगों की आवाजाही स्थानीय दुकानों व ट्रैफिक पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। गौरतलब है कि कर्फ्यू के दौरान विवाह, अंतिम संस्कार व धार्मिक त्योहारों पर प्रतिबंध नहीं होता है, परंतु इसके लिए पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होता है तथा इनमें किसी प्रकार के लाउडस्पीकर, डीजे आदि का उपयोग प्रतिबंधित होता है।